हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन। मैथ्स की, साइंस की ऑलरेडी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, आपने शायद वो वीडियो चेक कर ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, स्ट्रक्चर ऑफ पेपर में, तो आपको काफ़ी सारी वीडियो, सैम्पल पेपर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बच्चे का बताऊँगी जिसमें इंग्लिश की प्रेजेंटेशन ठीक अच्छी लगी मुझे, तो आप भी ताकि उसी तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बच्चों शीट। तो यहाँ पर देखो, इस बच्चे के आए हैं जो, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर इसके मार्क्स 80 आउट ऑफ 77 एंड हाफ आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मार्क्स कटे हैं ये किस लिए कटे हैं, ये देखो। यहाँ पर आप देखो, पहले सेक्शन मतलब ए इसने किया है, तो सेक्शन ए को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नहीं है इतना टाइम, वैसे इंग्लिश के पेपर में इनफ टाइम होता है, 3 घंटा बहुत होता है इंग्लिश के पेपर में कि आप अच्छे से सारा कुछ उतार के और अच्छे से काम करो। ठीक है, तो फर्स्ट पेज की देखो, मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई कितनी अच्छी तरीके से है ना। और OMR शीट कैसे फिल करनी है यहाँ पर, ये मैं कल तक वीडियो आपको बना के दे दूँगी, ताकि आप बोर्ड के पेपर देने जाओ तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको इधर उधर पूछना ना पड़े और आप खुद से अपना सारा OMR शीट फिल कर ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये सेक्शन ए ख़त्म हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट किया, अलग से शो कर रहा है। दो बच्चे का पेपर दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, इसने चलो इतना टाइम था तो इसने इस तरीके से डेकोरेट वगैरह किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किसी को इतना अच्छे से आता है तो कैसे सिंपली लिखना है वो भी मैं बताऊंगी। तो थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो इस तरीके से अगर सेक्शन वाइज प्रॉपर देखो, यहाँ सारे सेक्शन में इसको फुल मार्क्स मिले और प्रेजेंटेशन देखो, चेकर कितना खुश हो जाता है कि कितना साफ काम किया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका मेन आंसर हाईलाइट, क्वेश्चन का मेन आंसर हाईलाइट, आंसर नंबर डाल के सारे किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारा बट सेक्शन मेंशन किया है, सेक्शन का क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है और सारा आंसर किया हुआ है ना। तो इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। आगे मैं पूरा पेपर आपको दिखाती हूँ ताकि हर एक चीज़ का आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर देखो, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी इस क्वेश्चन में आपका जो मेन वर्ड है उसने देखो हाईलाइट करके यहाँ पर शो किया हुआ है। आगे पोएट्री है, पोएट्री का जो है आपका, पोएट्री में यहाँ पर देखो स्टेंजा, स्टेंजा में प्रॉपर इसने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, पोएट का नाम, कौन सी पोएट्री है, दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, तब यहाँ पे देखो प्रॉपर 3 मार्क्स मिले हुए हैं। आगे मैं और दिखाती हूँ इस तरीके से, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया जब लिखा तो उसमें देखो प्रॉपर पूरा पोएट का नाम और इस सेंट्रल आइडिया में क्या मेन चीज़ है वो सारा शो किया हुआ है। यहाँ पे आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। आगे देखो, यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर कितने अच्छे से काम किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ग्रामर का डूज डायरेक्ट में सिर्फ देखो उसने आंसर आंसर लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर आंसर लिखे हैं बट कितना प्रॉपर साफ काम किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम और भी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो मैं आज इंग्लिश की ये प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। यहाँ गलती इसकी ग्रामर में हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग इसने गलती कर दी थी, तो यहाँ पर मतलब इस स्पेलिंग की वजह से सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस का यहाँ पर गलत हो गया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैसेज कैसे बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। आप मैसेज देख सकते हो, प्रॉपर बॉक्स बना के कहाँ पे डेट लिखनी है, कहाँ टाइम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर लिखना है। अब पैराग्राफ देखो यहाँ से, गुड मैनर, वैसे इसने इसी पेज पे स्टार्ट कर दिया बट आप नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ है प्रॉपर, कितना साफ सुथरा विदाउट कटिंग है ना। अब देखो अगली गलती इसने यहाँ पर की है लेटर में, लेटर में क्या गलती की है, यहाँ पर डेट ही नहीं मैंशन किया है ना, तो इसके नंबर हाफ कट गए, हाफ या 1 मार्क्स जो भी कट गए। तो ये गलतियाँ आप लोग मत करो, ताकि ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी जो गलतियाँ मत करना। तो ये हो गया एक बच्चे का मैंने पेपर दिखाया, एक और बच्चे का पेपर दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। ये इसके मार्क्स थोड़े अच्छे कम है, 65 है,
बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि नहीं उतना डेकोरेट कर सकते हो, पर सेक्शन वाइज अलग 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 आप ऐसे तरीके से शो करोगे ना ऐसे, तो आप अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे थोड़ी सी मिस्टेक्स, पेपर इसका भी अच्छा है, साफ सुथरा है, पर बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी है इसलिए इसके मार्क्स कटे हैं, है ना। तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये मैसेज, यहाँ पर ये पैराग्राफ, ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वगैरह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।